विदाउट डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से आप कैसे एक फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकती है। आपका पास मान लो कोई डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है, आप आधार नंबर से एक फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकती है। कैसे क्रिएट करना आप फुल वीडियो देख लीजिए। मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, आप फुल वीडियो देख लीजिए। चैनल पर पहले आया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप विदाउट एटीएम डेबिट कार्ड से आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकती है फ़ोन पे। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। बिना एटीएम कार्ड से आप कैसे एक फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकती है विदाउट एटीएम या डेबिट कार्ड। कोई एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड का ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको आधार नंबर पता होना चाहिए। आपको बैंक में आधार कार्ड लिंक है तो आप अच्छा से एक फ़ोन पे क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फ़ोन पे, या पहला कमेंट में मिलेगा, आप फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप फ़ोन पे ओपन करोगे तो आपको साथ ऐसे एक एंटर योर मोबाइल नंबर एक ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना, देन आपको ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल से जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप देख रही है यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। जैसे मैं अलाउ कर दिया, आप भी अलाउ कर सकती है। मेरा चैनल पर पहली आया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में है तो प्लीज़ मेरा पेज को फॉलो कीजिए। अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पर ओटीपी सबमिट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर आइकन पर क्लिक करने के बाद ऐड बैंक अकाउंट पर एक ऑप्शन मिलेगा, मैं ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करूँगा। देन मेरा जो बैंक है वो बैंक में यहाँ पर सर्च करूँगा। सबसे पहले मैं सर्च बाई हेयर बैंक नेम, यहाँ पर मैं मेरा बैंक का नाम यहाँ पर सर्च करूँगा। आप आपका बैंक का नाम यहाँ पर सर्च कर सकती है। जैसे मेरा कनारा बैंक है, मैं कनारा बैंक पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। देन थोड़ा सा वेट करूँगा, वेट करने के बाद यहाँ पर कनारा बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक रिटेक्ट हो जाएगा, मेरा मोबाइल से एक मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेट UPI पिन यूजिंग, यहाँ पर नीचे में आ रहा है डेबिट ATM कार्ड। आप डेबिट ATM कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डेबिट ATM कार्ड को सिलेक्ट कर सकती है। आपको डेबिट नंबर ATM कार्ड का नंबर होना चाहिए, पिन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा पास अभी डेबिट ATM कार्ड नहीं है। मैं सिर्फ आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, आधार नंबर लिंक्ड विथ बैंक, मेरा बैंक से जो लिंक है आधार नंबर वो मैं एंटर करूँगा। पहले वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पर मेरा जो आधार नंबर है मैं आधार नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा। देन मैं प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना। आप देख रही है यहाँ पर आपकी मोबाइल में एक ऑटोमेटिकली एक मैसेज फिर से रिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है इंटर 6 डिजिट बैंक OTP, यहाँ पर सबमिट हो चुका है, मैं सबमिट करूँगा। देन यहाँ पर आ रहा है सेट UPI पिन। UPI पिन का मतलब है आप पेमेंट करने के टाइम में या बैलेंस देखने के टाइम में आपका UPI पिन की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं UPI पिन यहाँ पर दोबारा मैं क्लिक किया, मेरा UPI पिन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अकाउंट ऑलरेडी सक्सेसफुल, मेरा अकाउंट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेरा बैलेंस चेक करके, मैं 1 रुपीस में ट्रांसफ़र भी करूँगा। सबसे पहले मैं चेक बैलेंस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कनाडा बैंक आ रहा है। मेरा जो UPI पिन अभी मैं क्रिएट किया वो UPI पिन यहाँ पर एंटर करूँगा। देन फेचिंग बैलेंस पर आप देख रहे हैं ये बैंक अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर मेरा शो आ रहा है बैंक अकाउंट की बैलेंस। अभी मैं टू मोबाइल नंबर की तरफ से मैं पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ, बैंक अकाउंट की तरफ से ट्रांसफ़र कर सकती है। मैं मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देन मैं मेरा एक फ्रेंड्स की मोबाइल में 1 रुपीस में ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पर आप देख रही है मेरा फ्रेंड्स की नंबर यहाँ पर आ रहा है। आप आपका जो फ़ोनपे चलाने वाला आदमी को 1 रुपया ट्रांसफ़र भी कर सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं इंटर अमाउंट पर क्लिक करूँगा, देन मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं 1 रुपीस ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पर आप देख रही है 1 रुपीस पर क्लिक करूँगा, देन मैं पे ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आप देख रही है पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं UPI ID यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। जैसे आप देख रही है मैं UPI ID एंटर करूँगा, यहाँ पर मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख सकती है डिस्क्रिप्शन में या पहला कमेंट में मेरा फ़ोनपे का लिंक मिलेगी, आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास फ़ोनपे है तो आप अपडेट कीजिए, और आधार कार्ड से आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकती है फ़ोनपे। आज की इस वीडियो में मैं बिना ATM कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड में मैं अकाउंट क्रिएट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।